हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आपको जीडीएस बीपीएम पोस्ट पे रह करके क्या क्या ऐसा चीज करना है जिसके वजह से आपको ज्यादा एडवांटेज हो, ज्यादा अर्निंग हो, ज्यादा कमीशन हो, ज्यादा आप अर्निंग कर सके, सैलरी आपका हाई अच्छा खासा हो, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए। तो इस वीडियो में जरूर देखना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि जब आप जीडीएस बीपीएम में सिलेक्ट होके आते हैं तो आपको 4 घंटा की ड्यूटी दिया जाता है और उसका सैलरी होता है 12 हजार, और उसी पे डीए हार्डली 17-18 हजार सैलरी मिलता है। जिससे जिस तरह का अभी महंगाई चल रहा है देश में, पेट्रोल का दाम, प्याज तेल आलू ये सब का जो दाम है, आटा का सब, जो आपका जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है, जो आपका डेली यूजेस सामान है, उसका दाम थोड़ा ज्यादा हो गया है। उसी कंपैरिजन में आपका अर्निंग भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है? आप उस कंपैरिजन में अगर अर्निंग नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, आपका लाइफ स्टाइल डाउन होगा, आप प्रॉपरली आप काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है? मन से काम नहीं करेंगे और आपका लाइफ स्टाइल एकदम वीक हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको कमीशन जनरेटिंग वाला काम करना, मतलब रेवेन्यू जनरेटिंग काम करना। ऐसा नहीं कि आप बीपीएम पोस्ट पे काम किए सिर्फ डिपॉजिट विड्रॉल, रेकरिंग डिपॉजिट में डिपॉजिट कर, एसबी डिपॉजिट विड्रॉल ये सब में काम करते रहे और आपका टाइम बीतता जा रहा है और आपको कुछ अर्निंग नहीं हो रहा है। तो रिवेन्यू जनरेटिंग काम जो डिपार्टमेंट के लिए भी सही है और आपके लिए भी सही है, डिपार्टमेंट आपको मौका देता है, एक चांसेस देता है, ठीक है? चांस देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, बट आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं प्रॉपरली, ठीक है? जिसके वजह से बहुत सारे बीपीएम अभी भी पुअर अवस्था में जीते हैं, उनको समझ नहीं पाता और समझ नहीं आता और सही समय पर उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलता है, दैट्स व्हाई वो इस तरह से रहते हैं, ठीक है? और दोष देते हैं कि डिपार्टमेंट में सैलरी कम है। देखिए, सैलरी कम है आई नो, बट इसके अलावा इतना आप कमीशन इंसेंटिव कमा सकते हैं जो कि सैलरी से 2 गुना 3 गुना भी हो सकता है, 1.5 गुना भी हो सकता है, एटलीस्ट सैलरी बराबर भी कमीशन हो सकता है, सैलरी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, पहला है टीडी, टाइम डिपॉजिट, ठीक है? जिसको बैंकिंग भाषा में एफडी बोलते हैं, उस टीडी करेंगे तो आपको 2% कमीशन मिलेगा, ठीक है? उसके बाद होता है आपका आरपीएल है, मेन जो है रिवेन्यू जनरेटिंग काम होता है आरपीएल है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, आरपीएल है करेंगे। उसमें पहला जो प्रीमियम उसमें 10% मिलेगा, 10% के आसपास रहता है, 10-5% भी मिलेगा टोटल प्रीमियम का, तो ठीक है। उसके बाद रेगुलर जब जमा होगा, फ्रीक्वेंटली जब जमा होगा मंथली मंथली, तो आपको 2.5% मिलेगा, 2.5%, ठीक है? 1 साल के लिए आई थिंक 10% मिलता है, उसके बाद 2.5% मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर पीएलआई करेंगे तो पहला जो प्रीमियम है 20% मिलेगा, तो फर्स्ट ईयर आई ईयर में थिंक 1 साल लगातार 20% आपको कमीशन मिलेगा, उसके बाद 2% हो जाता है, ठीक है? तो मेन जो रिवेन्यू जनरेटिंग काम है टीडी है, आरपीएल है, पीएलआई है। उसके बाद अभी जो पोस्ट ऑफिस में टारगेट्स दिया जाता है प्रीमियम अकाउंट खोलने के लिए, एसबीआर पीएम अकाउंट जो खाता खोलते हैं पीएम किसान वाला, उसमें 30 रुपया से ज्यादा कमीशन मिलता है, ठीक है? तो वो भी उससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद आधार का काम कर सकते हैं, आधार मोबाइल लिंक होता है उसमें भी कमीशन मिलता है, 1 आधार कार्ड पे 11 रुपया भी मिलता है, उसका हम थोड़ा सा प्रूफ दे देंगे। मुझे अभी मैसेज आया था और पहले 10 रुपया मिलता था, अभी 11 रुपया हो गया है। और देखिए, बहुत सारे अकाउंट पहले से ही खुला हो चुका है, तो क्या होता था कि क्या हुआ कि पहले से ही बहुत सारे अकाउंट रेगुलर अकाउंट खुला है आईपीपीबी का, तो उसमें 100 रुपया से अकाउंट खुलता था अभी, लेकिन क्या है ना, उसका बहुत सारे एडवांटेज हो गया उस कार्ड का। उसमें पीएम किसान का पैसा आता है, जमीन वाला, कृषि वाला, गैस का पैसा आता है, स्कॉलरशिप का पैसा आता है, मनरेगा, बहुत सारा पैसा आता है उसी कार्ड में। तो वो कार्ड किसी भी कस्टमर का अगर रेगुलर अकाउंट खुला है 100 रुपया से, बहुत पहले खुला है, 2-3-4 साल पहले, उसका क्या कीजिए, आप वो अकाउंट डोरमेंट हो गया है तो उसको क्या कीजिए, रिवाइवल कीजिए, रिकेवाईसी कीजिए और उसमें 200 रुपया जमा करके उसको अपग्रेड कीजिए अकाउंट को, ठीक है? रेगुलर से अपग्रेड कर दीजिए प्रीमियम में, तो उसमें 130-135 रुपया ऐसे ही मैसेज आया था मोबी कंट्रोल से, तो वहां पे वो आपको मिल सकता है, ठीक है? जितना भी रिवाइवल करेंगे आपको बेनिफिट होगा। तो
तो मेन जो एरिया है अर्निंग करने का वो आपका टीडी हुआ, उसके बाद आरपीएलआई पीएलआई हुआ, उसके बाद आधार कार्ड हुआ। आधार कार्ड आप नया इनरोलमेंट भी कर सकते हैं, आधार के साथ मोबाइल लिंक करने का भी उतने रुपया मिलता है कमीशन। और आप जो है पीएम किसान का काम कर सकते हैं, ठीक है, एईपीएस कर सकते हैं, बहुत तरह का काम है। थोड़ा 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 करके बहुत सारे कमीशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है यूट्यूब का, तो आप यूट्यूब पे वीडियो भी बना सकते हैं, जिस तरह से हम बनाते हैं उसमें भी बहुत सारे अर्निंग होता है। मेरा पिछले महीना $100 आया था, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो अर्निंग अच्छा खासा है, अगर आप बोलने में अच्छा है, नॉलेज है डिपार्टमेंट के बारे में, तो आप ये सब चीज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत हिंट की जरूरत है तो हम आपको कॉपरेट हेल्प कर देंगे, ठीक है, थोड़ा मोटिवेट कर देंगे और प्रमोट भी कर देंगे मेरे चैनल के थ्रू। तो अगर जो यूट्यूबर बनना चाहता है इंस्टेड ऑफ वर्किंग इंस्टेड ऑफ ड्यूटी, ठीक है, तो अगर कुछ करना चाहते हैं इंडिया पोस्ट के अलावा अगर यूट्यूब पे कुछ काम करना चाहते हैं तो हमसे हेल्प ले सकते हैं, प्रमोट भी कर देंगे, आप अच्छा खासा वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बोलने का अच्छा टेंडेंसी है, नॉलेज है डिपार्टमेंट के बारे में, तो बना सकते हैं, इस तरह से ढेर सारे रुपया कमा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए चिंता नहीं करना है कि कम रुपया है कैसे काम करेंगे। स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, जो भी नया जीडीएस ज्वाइन करके आया है वो लोग को दिक्कत होगा, 1 साल दिक्कत होता है। धीरे 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 अच्छा खासा काम करेंगे तो कमीशन बनेगा, सैलरी बढ़ेगा, ठीक है, आपका जरूरतें पूरा होगा, आपका जरूरत बढ़ेगा, पैसा आएगा तो जरूरत भी बढ़ेगा, खर्चा भी होगा। तो इस तरह से आप अपना लाइफ को स्टेबल बना सकते हैं। एक्सक्यूजेस देने से कोई फायदा नहीं है, लोगों के साथ मिलिए जुलिए, बातचीत कीजिए, वो जरूर कुछ ना कुछ काम करवाएंगे आपसे, मतलब अकाउंट खोलेंगे, तो आपको रिवेन्यू सब होगा, डिपार्टमेंट को भी फायदा होगा, कस्टमर को भी फायदा होगा, पब्लिक को और आपको भी फायदा होगा, तीनों म्यूचुअली बेनिफिटेड रहेंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट वाला तो फायदा में रहेंगे, उसके बाद आप फायदा में रहेंगे, तीसरा जिनका अकाउंट खोलेंगे वो भी फायदा में रहेगा, उनका सर्विस मिल रहा है। बहुत सारे जगह पे सर्विस मिल नहीं रहा, जिसके वजह से उनको ये सब का सामना करना पड़ रहा है, टाइम पे उनको पैसा नहीं मिलता है। यहाँ पे देखते हैं एक एक ग्राम में 2-2 हजार आदमी का पीएम किसान का पैसा आया, और सब जगह 159-160 आदमी का पैसा आता है, क्योंकि वो लोग जागरूक नहीं है। आप लोग जागरूक बनाइए, उससे आपको भी कमीशन मिलेगा और पब्लिक को भी फायदा होगा, सरकार से बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके पूछिए। जय हिंद।